हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोट एक्ट ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी खामोशियों का असर अब इस पर्सन के करंट फीलिंग्स के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि आपका खामोश रहना यहाँ पर ज़रूरी है, एज एन कि आप इस पर्सन पर किसी तरह का अपनी साइड से रीच आउट करने की वाइब्रेशन ना तो सेंड कर रहे हो और ना ऐसा कर रहे हो। चाहे फिर शुरुआत कैसे भी खामोशियों की क्यों ना हुई हो, इस पर्सन ने ही इन खामोशियों को लेकर आकर क्यों ना खड़ा करा हो या ब्लॉक क्यों ना कर रखा हो, सभी सूरतों में अगर आप अपनी तरफ से इस पर्सन के सामने रो नहीं रहे हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है गाइस, याद आपको यहाँ पर ये ज़रूर रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपकी खामोशियों का असर अब इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर करंट में क्या हो रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स की खामोशियों का असर अब इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या है। लव अबेंस, डे ड्रीम एंड सीजन्स, सिंपली लव, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का असर अब इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या हो रहा है। रेस्ट एंड रिकंसिडर, मूव, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस पर्सन के ऊपर मेरे व्यूअर्स की खामोशियों का असर। ओपन अप, चेंज योर फोकस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए ओपन अप को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर मेरे व्यूअर्स की खामोशियों का। गाइड कीजिए बताइए, न्यू विजन, मूव के मामले में ये किस तरह का असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर। सप्रेशन, रेस्ट एंड रिकंसिडर के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का। कंडीशनिंग, डे ड्रीम एंड डिसीजंस के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए बैड टाइमिंग, गाइड कीजिए बताइए क्या असर पड़ रहा है खामोशियों का। ये शफल नहीं होते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्या असर पड़ रहा है खामोशियों का व्यूअर्स की। शो ऑफ, पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है मेरी व्यूअर्स की खामोशियों का। ब्रोकन हार्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है लाइफ चेंज। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे, उसी पर्सन की एनर्जीज होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो का, एक मीन एंड वृश्चिक राशि की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। उसके अलग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो गई हैं। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए 4 और
7, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका हो गया अप्रैल और जुलाई मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से पास्ट में रिलेट करता होगा, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, ऐसे आपको लेने हैं ये नंबर्स या ये मंथ, ठीक है। सवाल आता है कि आपकी खामोशियों का क्या असर इस पर्सन के ऊपर हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये सवाल है हमारा। देखिए, असर तो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपकी खामोशियों का। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी इमोशनली वीक होने की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, यानी कि ये पर्सन प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हुआ, लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, ठीक है। इवन ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जैसे कि ये आपको याद करते हो, और साथ में इन्हें ये भी याद आता हो कि इन्होंने वक्त आते आपकी तरफ मूव क्यों नहीं लिया। तो एक रियलाइजेशन इस पर्सन की तरफ बढ़ता है जब जब ये आपको याद करते हैं, या आपकी खामोशियां ना इस पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ कराती हैं कि इन्हें वक्त आते ओपन अप हो जाना चाहिए था, इन्हें चीज़ों को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर, नए तरीके से देखकर शुरुआत कर देनी चाहिए थी, या कोई एक्शन ले लेना चाहिए था। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि स्टार्टिंग में आपने इस पर्सन तक रीच आउट करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब आप भी यहाँ पर थक कर बैठ गए हो, अब आप भी चीज़ों को रिकंसिडर करने लगे हो, या जो भी इन्होंने आपकी लाइफ को स्टक बना दिया था, एकदम कंडीशंस के बीच में आपको घेर कर रख दिया था, या आपको ऐसे माहौल में इन्होंने ला कर खड़ा कर दिया था जो माहौल आपसे पूरी तरह से मैच ही नहीं खाता था। तो बेसिकली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चलती हैं आपकी खामोशियों के बाद, कि इन्होंने ना आपको कहीं ना कहीं वो मौका दे दिया जिन चीज़ों को आप प्यार में जब थे इस पर्सन के साथ तब देख नहीं पा रहे थे। जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो आप उन चीज़ों को एक्चुअली में रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा बदल दिया था, आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा बांध कर रख दिया था, आपको कितना बांध कर, कितना कंट्रोल में करके रख दिया था। तो इस पर्सन को उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है, यानी कि ये पर्सन ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खामोश करके, या अपने आप को खामोश करके, या आपने अपने आप को खामोश करके बेसिकली अपना फोकस ही यहाँ पर बदल लिया है। धीरे धीरे आपने अपने आप को हील कर लिया, और समय के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव ऑलरेडी आ गया है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर गया है। और इनको इनके थ्रू कोई ना करा हुआ एक्शन इन्हें डिप्रेशन की तरफ, सप्रेशन की तरफ, दुख की तरफ, रातों की नींद उड़ने की तरफ इन्हें लेकर गया है। तो इनका ये सोचना है, यानी कि ये पर्सन ये सोचते हैं आपकी खामोशियों के बाद कि बुरा वक्त आपकी लाइफ में नहीं आया है, बल्कि बुरा वक्त तो इनका चल रहा है। शो ऑफ की लाइफ तो इन्हें जीनी पड़ रही है, या दिल तो इनका टूटा है एक्चुअली में, बल्कि आपने तो अपने आप को इस टूटे हुए दिल से निकाल कर, अपने आप पर फोकस करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस पर्सन के मन में इस तरह के डाउट्स चलते रहते हैं कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी अब नए सिरे से चल रही है, और आप अपनी लाइफ में खुश हो, प्यार है उसमें, भले एक रिलेशनशिप वाला प्यार नहीं है, लेकिन प्यार तो हर तरफ से आपकी लाइफ में है, ऐसा ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी खामोशियाँ अब इस पर्सन को आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव कर रही हैं, यानी कि इन्हें बार बार ये चीज़ें रियलाइज़ करा रही हैं कि वक्त आते इन्होंने चीज़ों को नहीं संभाला, और अब चीज़ें इनके हाथ से फिसल गई, आप इनके हाथ से चले गए, वो प्यार, वो इमोशंस आपके दिल में जो जज्बात थे इनके लिए, वो सब इनके ही हाथों से फिसल गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको वो वक्त दे दिया, सोचने के लिए वक्त दे दिया, और उस वक्त में ना आपने बहुत चीज़ों को समझ लिया। तो इनका ऐसा सोचना है आपकी खामोशियों के बाद से, ठीक है, जब से आपने अपने आप को चुप कर लिया है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली ज़िंदगी में आपके पर्सन इस वक्त में जी रहे हैं, एज एन की दिखावे के लिए खुश होंगे, दिखावे के लिए प्यार होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये इंसान पूरी तरह से खाली इस वक्त में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लव अबेंड्स के मामले में इस पर्सन का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी खामोशियों के बाद? ट्रांसफॉर्मेशंस, बेसिकली इस पर्सन के दिमाग में एक बात सेट हो रही है आपकी खामोशियों के बाद ना, कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ गया है,
ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है, ट्रांसफॉर्म आ गया है, और वो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि इनके मन में इस तरह के थॉट थे कि इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी किसी भी तरह से बदल नहीं सकती, आप परेशान रहोगे, रोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये इनके मन में चलता रहता है आपकी खामोशियों के बाद। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग ये पर्सन करते हैं, और जितनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान रहते हैं। ये भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसिडर के मामले में इस पर्सन का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स की खामोशियों के बाद गाइड कीजिए, बताइए। द हर्मिट, बेसिकली इस पर्सन का, आपने जब से अपने आप को इस हर्मिट एनर्जी में लाकर खड़ा करा है, तो पहले तो इनके दिमाग में यही चीज़ें थी कि आप इस एनर्जी में रहकर बहुत परेशान रहोगे, लेकिन आपने इस एनर्जी में रहकर अपनी डिस्कवरी करी, अपने आप को तराशा, अपने आप को देखा, पहचाना और अपने आप को शाइन करा। यानी कि आपको वक्त ज़रूर लगा रेस्ट करने में, चीज़ों को री इवेल्युएट करने में, लेकिन इस री इवेल्युएट करने के बाद आप सिर्फ ग्रो करे हो, आपके अंदर से वो एनर्जी निकली है जिसका एहसास आपको हो ही नहीं रहा था। तो बेसिकली ना, अगर मैं कंक्लूजन अभी तक का इस रीडिंग्स का निकालूं ना, तो इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि जो इन्होंने अपने आप को चुप रखा और आपने भी अपने आप को चुप रखा ना, तो बेसिकली इन्हें ये लग रहा है कि आपने उतने वक्त में ना चीज़ों को समझ लिया, आप अपने आप को हील कर चुके हो, तो वो एनर्जीज इनकी दिख रही है, ठीक है। मूव के मामले में इस पर्सन का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स की खामोशियों के बाद गाइड कीजिए, बताइए। इस पर्सन का आपको लेकर ये सोचना है कि अब आप एक नई स्टार्टिंग कर चुके हो, भले अकेले ही सही, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, ये सोचना है इस पर्सन का आपकी खामोशियों के बाद। ओपन अप के मामले में अब व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स की खामोशियों के बाद टेन ऑफ कप्स। तो बेसिकली अब आपके पर्सन आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, उस रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, उस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, उस कनेक्शन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और इवन ये उस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की इच्छा भी रख रहे हैं, चाहे वो नई शुरुआत मैरिज से लेकर हो, फीलिंग से लेकर ही क्यों ना हो। तो डेफिनेटली आपकी खामोशियाँ इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर रही हैं, ये तो यहाँ पर पूरी तरह से है। सिंपली लव के मामले में इस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की खामोशियों का। डेफिनेटली देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके साथ वही सेलिब्रेशन, वही प्यार, वही कनेक्शन चाहते हैं, वही आपके साथ ये अपना एक सिंपली लव चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। डेफिनेटली अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं आपकी खामोशियों के बाद। अब इनको ये लग रहा है कि भाई आप मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो, तो अभी ने ही आपकी तरफ शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आपके मूव ऑन करने से इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं। बैड टाइमिंग चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, शो ऑफ की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, जबकि दिल पूरी तरह से टूटा हुआ पड़ा है। तो इसीलिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं आपकी खामोशियों के बाद, ठीक है। डे ड्रीम एंड डिसीजंस के मामले में इस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि जितना रफ एंड टफ बनाकर इन्होंने अपने आप को दिखाया ना आपके सामने, कि आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, आपके साथ रिश्ते में नहीं आना चाह रहे हैं, वही चीज़ें ना इस पर्सन को बार बार याद आ रही हैं। यानी कि खुद की कही हुई बातें हर वक्त इस पर्सन के दिमाग में चलती रहती हैं, या खुद का लिया हुआ फैसला हर वक्त इस पर्सन के दिमाग में चलता रहता है, जो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं, रातों को सोने नहीं देती हैं, और साथ में इन्हें कन्फ्यूज करती हैं कि अब क्या करना चाहिए, किस तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये पर्सन अब खुद ही दुविधा में है कि आपके लिए
फीलिंग्स तो जाग रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी जाग रही है, क्या अब आपकी तरफ बढ़ना सही डिसीज़न होगा या नहीं होगा, क्या इस रिश्ते के लिए अब रुकना सही डिसीज़न होगा या नहीं होगा, तो वो सब कन्फ्यूज़न अब इस पर्सन के मन में चलता रहता है आपकी खामोशियों के बाद। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। बेसिकली ये पर्सन ना अब आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे एक नए सिरे से तो देख रहे हैं, ये एनर्जीज तो डेफिनेटली है यहाँ पर। चलिए ये देखते हैं कि अगर इस पर्सन को आपकी खामोशियाँ इतना ही परेशान कर रही हैं, आपकी तरफ बढ़ाने के लिए फोर्स कर रही हैं, पॉजिटिव कर रही हैं, तो ये देखते हैं कि क्या इनका आपकी तरफ कोई जेस्चर आएगा, कोई एक्शन आएगा या नहीं आएगा, कोई नई शुरुआत करने का कोई ये एफर्ट करेंगे या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, टेम्परेंस, क्या आप ये कोई शुरुआत के लिए ऑफर करेंगे अपनी साइड से। गाइड कीजिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या ये अपनी साइड से आप कोई एफर्ट लेंगे, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। गाइड कीजिए बताइए द फूल। तो देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, बॉटम ऑफ द डेक भी द सन है, कि ये ना क्योंकि इनकी क्यूरियसिटी बेसिकली आपकी तरफ बढ़ने की बहुत ज़्यादा कर रही है ना, इसी रीज़न की वजह से डेफिनेटली इनका कोई जेस्चर आपकी तरफ आ सकता है, नई शुरुआत करने का ऑफ़र इनकी साइड से आपके पास आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बेसिकली दिखाई दे रही है। चैरियट भी एक मोमेंट को दर्शा रहा है, ये एनर्जी है। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के केस में ये पर्सन 10 दिन के अंदर अंदर आपसे बात करें, आपसे किसी तरह का आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, जिसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये पर्सन ना आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, इनके मन में आपको लेकर अब खोने का डर हो रहा है, वो चीज़ें आपको खुद से फील होंगी, मुँह से नहीं बोलेंगे, तो उन चीज़ों को आपको खुद से समझना होगा। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 10 वीक्स भी लग सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 10 दिन से लेकर 10 हफ्तों के अंदर अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन आप तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली अपनी पॉजिटिवनेस की वजह से या आपको खोने के डर की वजह से ये एनर्जीज है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकालकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। गाइड कीजिए, सराउंड योर सेल्फ विद लव, एस्केपिस्ट, स्टार्स। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आया है, तो बेसिकली यहाँ पे ना आपसे ये बोला जा रहा है पहली चीज़ कि देखो आप ना अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ प्यार ही रखना, कभी भी अपने आसपास नेगेटिविटी मत रखना, क्योंकि या नेगेटिव लोगों को आप अपने आसपास मत रखना, क्योंकि यही नेगेटिव लोग कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस भरेंगे जिसका फुलफिल हो पाना मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल होगा, और जिस रीज़न की वजह से आप परेशान रहोगे। तो आपसे बोला जा रहा है जो लोग आपको सही सलाह देते हैं या प्यार आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखिएगा, उसके अलग और लोगों से जितना ज़्यादा दूर आप अपने आप को रख पाएँ रखिएगा, चाहे फिर उसके बाद उसमें आपको अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, ठीक है। और इनमें कोई भी लोग शामिल हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ फ्रेंड्स ही हों, कोई भी, चाहे वो कितना भी आपके क्लोज्ड ही क्यों ना हो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्योंकि यही जो क्लोज्ड वन है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं, फिर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, तो क्या होता है आपके साथ आप नेगेटिव होते हो और चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। तो कुछ समय के लिए ट्राई कीजिएगा, जो लोग ना आपको नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव बातें आपके मन में भर रहे हैं या ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपके मन में भर रहे हैं जिनका फुलफ़िल हो पाना शायद इम्पॉसिबल है, तो उन लोगों से कुछ समय के लिए कट कर दीजिएगा और जो चाहते हो फिर उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिएगा, तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है। या आपके मन में अगर अपने पर्सन को लेकर कुछ नेगेटिव है और फिर भी आप चाहते हो उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आना, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएंगी। आप चार लोगों से तो उनके लिए बुराई कर रहे हो, चाहे वो अपने घर के मेंबर ही हो, और फिर बैठकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे को कॉल कर रहे हैं एंड ऑल, तो वो आप वहीं पर उस मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हो, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर ऐसा बता रही हूँ और इसी तरह की गाइडेंस आपके लिए आई है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर मैनिफेस्ट कीजिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपकी खामोशियों का जादू डेफिनेटली इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, वो बात और है कि ये बंदा या बंदी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या रही है।
तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।